जोर से बोलो ना, मम्मा कैसी लग रही है? मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। हैप्पी तीज। आज तीज है मैंने सोचा कि आज मुझे व्लॉग करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेशल होता है मैं तभी व्लॉग करती हूँ। मैं डेली रूटीन कहना चाहिए, डेली व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। आज जो है वो तीज है। एक्चुअली ये तीज जो है ये बहुत लोग नहीं भी करते हैं, और बहुत लोग यही वाली तीज करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये वाली तीज करते हैं या इसके पहले वाली तीज करते हैं। एक्चुअली दो तीज आती है अगस्त में राखी के आसपास। एक जो आती है वो हरियाली तीज कहलाती है, जो कि सावन के महीने में आती है, और ये जो दूसरी होती है इसे हरतालिका तीज कहते हैं। तो इसका पूरा जो है कि क्या होता है और ये सब मैं आपको आज दिन भर में ज़रूर बताऊंगी कि ये क्या होती है एंड क्यों करते हैं ऑल। ये जो तीज है मैं बेसिकली आई थिंक 9th क्लास में थी तब से कर रही हूँ, या 8th क्लास में थी तब से कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है। तब से मैं तीज कर रही हूँ, और शादी के बाद ही और ज़्यादा स्पेशल 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 और होते होते और स्पेशल होती थी। और एक रीज़न और है कि मैं तीज को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि ये सेम है करवा चौथ के। और इवन करवा चौथ में आप खाना भी खा लेते हो शाम को, लेकिन इसमें आप जो सिर्फ पानी पीते हो, और पानी भी आप कब पीते हो जब आप पूजा उजा कर लेते हो शाम के टाइम। बहुत सारे लोग तो मतलब नेक्स्ट डे ही पीते हैं सीधे। तो कल रात को 12 बजे के बाद से ना तो मैंने कुछ खाया है ना मैंने पानी पिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं ये चीज़ आज भी दिन भर पूरा जारी रखूंगी। पूजा के बाद मैं पानी पी सकती हूँ और उसके साथ में कुछ मीठा खा सकती हूँ, बट ना मैं अनाज खा सकती हूँ, हल से बना हुआ कुछ नहीं खा सकती। इस तरह से ये पूरा व्रत जो होता है वो होता है। मैं इसलिए मैंने जो कहा कि मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि ये करवा चौथ जैसा है और करवा चौथ से और ज़्यादा कहना चाहिए कठिन है। लेकिन इसके साथ ये कि मैं करवा चौथ नहीं करती हूँ, आशीष की फैमिली में करवा चौथ नहीं होता है। मैंने शादी के पहले ऑफकोर्स कभी नहीं किया, लेकिन शादी के बाद क्योंकि हमारे यहाँ मेरे घर में होता है। लेकिन मेरे गले को क्या हो गया, आई थिंक अभी काफ़ी सुबह हो रही है, 6:30 बज रही है, तो गला थोड़ा सा हो रहा है और आज पानी नहीं पिया है तो थोड़ी सी और हो रही है। हाँ, तो आशीष की फैमिली में नहीं होता है, सो ऑफकोर्स मैं भी करवा चौथ नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए साल भर का एक बार, जैसे लोगों को करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक्साइटमेंट होता है, तो उस तरह से मुझे जो है तीज का बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि एकदम प्रॉपर सब कुछ कहना चाहिए कि कर सकते हैं, और आप जैसे सब करवा चौथ पे करते हो उस टाइप से। और ये तीज का जो त्यौहार है ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे सीरियसली लेते भी हैं, बहुत लोग करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं बाद में, अब शादी के बाद, और आपको लाइफ टाइम करना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते। इवन आदिशी होना थी तब भी मैंने किया था, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके किया था। आज का पूरा जो दिन है वो इसी तरह मेरे साथ आप पूरी तीज मनाने वाले। तो फिलहाल तो आपको मैं मेरी मेहंदी दिखाती हूँ। कल मैं अपूर्वा के घर गई थी, अपूर्वा ने अपना बहन वाला प्यार दिखाते हुए मुझे मेहंदी लगा दी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी उसने, वरना वो चाहती थी कि मैं पूरे दोनों हाथ भरवा के मेहंदी लगाऊँ। उसकी भी तीज है, और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था इस बार तीज पे कि तीज जो है वो एक और दो दोनों दिन थी। तो कोई कह रहा था एक को करना है, कोई कह रहा था दो को करना है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में भी हरतालिका तीज होती है, यहाँ सब लोग 1 तारीख को कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी 1 तारीख को कर लेती हूँ। तो अपूर्वा और मैं, हम दोनों एक को कर रहे हैं। घर पे भी मम्मी और मम्मी जी ये लोग जो हैं वो एक को ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 2 तारीख को कर रहे हैं। तो ठीक है, 2 दिन का व्रत होता है, कई बार जो हिंदू तिथियाँ होती हैं कुछ होती हैं कन्फ्यूजन वाली, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी ये प्लान है मेरा, आशीष और आदिश्री दोनों सो रहे हैं, तो मैं क्योंकि उठ गई हूँ सुबह जल्दी,
क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। किचन के काम तो खैर चलते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है। कलमा पूर्वा क्या चल गया, सो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या पहनूंगी, लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं उसके साथ क्या पहनूंगी, चूड़ियाँ एंड सेट एंड ऑल। तो अभी वो भी डिसाइड करना है। तो अभी तो खैर बहुत सुबह हो रहा है, 6:30-7:45 हो रहा है। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, जो मैं कोशिश करूंगी कि आज लाइव हो जाए। एक मैंने नॉर्मल खंडवा से आने के बाद एक व्लॉग बनाया था, वो आने वाला है। तो ऑफकोर्स वो आ जाएगा, और वो अगर आ जाएगा तो अभी आप पहले चेक कर लो, उसको भी देख लेना, अच्छा व्लॉग है। तो अभी मैं उसे एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। अभी तो काफ़ी सुबह है। हेलो हेलो, सो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं पूजा के लिए रेडी नहीं हुई हूँ, बट नहा ली हूँ और एक सिंपल सा सूट पहन लिया मैंने। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। सो फिलहाल में मैंने ये वाला जो सूट है पहन लिया, और अभी जब मैं पूजा करूँगी तब मैं जो है ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। ये मेरी शादी की साड़ी है, सो मतलब बहुत स्पेशल साड़ी है ये, क्योंकि इस साड़ी में मैंने फेरे लिए थे, मेरी पूरी शादी इस साड़ी में हुई है। एक्चुअली हमारे यहाँ 2-3 साड़ियाँ होती हैं जो स्पेशल होती हैं, बट इसमें मैंने फेरे लिए थे। तो अभी जो है मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। एक मिनट, एक हाथ से चेन निकल रही है, ऐसे करके खोल लेती हूँ। तो ये जो है ये मेरी साड़ी है, एकदम रेड कलर की साड़ी है। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ। ये वाली जो फोटोग्राफ है, जो इंस्टाग्राम पर भी बड़ी लाइक पाई थी इस फोटो ने, इसमें मैं यही वाली जो है साड़ी पहनी हुई हूँ। और इसके साथ में, इसके अलावा अभी जो तैयारी का ऐसा सीन है कि मैं 2:30 बजे पूजा करूंगी, तो मुझे थोड़ा बहुत पूजा का सामान अभी लेकर आना है, वो मैं लेकर आऊंगी। और दूसरी बात कि मैंने एक कुर्ता कल शॉपिंग किया है, कल एक कुर्ता लिया है मैंने, और बहुत दिन से मुझे ये वाला कलर चाहिए था कुर्ते में, सूट में स्पेशली, क्योंकि ये वाला ऐसा कलर मेरे पास एक भी नहीं था। तो मैंने ये वाला कलर कर लिया है। और व्लॉग आ गया है, अगर अभी तक आपने व्लॉग नहीं देखा है तो पुणेरी ढोल और मैंने जो राजमा चावल बनाया था उसका व्लॉग है। तो अभी आपको आई बटन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ज़रूर उसे जाके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने अभी अपलोड किया है आधे एक घंटे पहले। और इसके साथ में मैं पूजा की तैयारी अभी पूरी कर लूंगी। बेसिकली तीज की जो पूजा होती है वो सुहागने भी करती हैं, और शादी के पहले भी आप कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। तो उसकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से, एक छोटे से शॉर्ट उसमें बताऊं तो, कि पार्वती जी शिव जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो शादी करे। तो वो अपने घर से अपनी सहेली के साथ जंगल में चली गई, और वहां जाकर उन्होंने शिव जी से की प्रार्थना की, और वो जो है वो वहां पर ना जो जंगल में भी फूल पत्तियां होती थी वो खाकर और रहती थी, और निर्जला व्रत करती थी। तो इस तरह से पूरी स्टोरी है, स्टोरी बहुत बड़ी है, उसे मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। इसीलिए व्रत किया जाता है निर्जला व्रत। तो इसमें शंकर जी को तरह तरह की, आपको जितनी तरह की भी पत्तियां या फूल मिले आपको चढ़ा सकते हो। तो मैंने भी अभी जो है बहुत सारी पत्तियां नीचे से तोड़ के लाई हूँ, थोड़ी सी भी और लेकर आने वाली हूँ, और फिर मैं सब कुछ जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है उस हिसाब से पूरी तैयारी करूंगी। जो थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी वैसी है वो फिर खैर चल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बट मुझे ऐसे टाइम पर घर वालों की बहुत याद आती है, घर के बड़ों की, मम्मी की, मम्मी जी इन लोगों की, क्योंकि उनके साथ पूजा करने का एक अलग कहना चाहिए मज़ा भी होता है, और आप एकदम प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं। आपको अभी इतनी आदत नहीं होती है, तो कई चीज़ें आप कई बार भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो खैर ठीक है, ऋषि अभी उसके पापा के साथ नहा रही है, नाश्ता कर लिया उसने, और मैं उसे अभी कैमरे के सामने बुला रही थी बट वो मना कर गई। तो अभी उसको भी मैं अच्छे से तैयार व्यार करती हूँ, और बाजार से जो सामान लाना है वो लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो बहुत सारी बैंगल्स है उसमें मैं बड़ी कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूँ और क्या पहनूँ, साड़ी के साथ उसके साथ क्या मैच होगा। तो वो अभी सब निकालती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो अभी दिन भर पूरा व्लॉग चलेगा, तो बने रहिए, स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, पूरा 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 व्लॉग देखते रहिए।
जय जय करते हैं, ऐसे करते हैं जय। हाँ अरे वाह यार, अदिशी को तो सब आता है। मम्मा। हाँ मम्मा। हाँ ताता है, ताता को हाथ नहीं लगाना। हाँ ठीक है। गाइज मेरी जो थाली थी वो एकदम रेडी हो गई और अब मैं तैयार होने वाली हूँ। तो ये जो जगह है ये मेरी कहना चाहिए छोटा सा वैनिटी ट्रे बोल सकते हैं इसको। यहाँ मेरा सारा सामान रखा हुआ है, चूड़ियाँ और ये सब कुछ, और नीचे अदिशी के डॉक्टर रखे। आपका सामान और आपके बच्चे का सामान हमेशा साथ में होता है। तो अब यहीं से कुछ डिसाइड करके मैं पहनने वाली हूँ। तो ये तो मेरा खैर मेकअप बॉक्स हो गया, और ये रही चूड़ियाँ, इनमें से कुछ ढूंढ के पहनती हूँ मैं। और एक और मेरे पास है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले कंगन, तो आई थिंक मेरी साड़ी के साथ एकदम मैच हो जाएंगे। तो मैं ये पहन के जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने गजरा भी लगाया है, और जो भी ज्वेलरी मेरे पास थी मैंने मैच करके फिलहाल मैं इसके साथ में पहन ली है। अभी जो है मैं थोड़ी देर से नीचे जाऊंगी, और मेरी जो तैयारी है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने जैसे आपको पूजा दिखाई थी वैसे, ये पूरी मैंने पूजा की तैयारी भी पूरी तरह से हो गई है, और मैं भी एकदम रेडी हूँ। सब कुछ रेडी है, और अभी करीब 3:15 बज रहे हैं। और ऐसे अभी कुछ ऐसे प्यास व्यास नहीं लगी है, क्योंकि मौसम भी एकदम ठंडा है, तो ऐसे कुछ प्यास व्यास का भी सवाल नहीं होता है। बट फिर भी हाँ थोड़ा सा तो लगता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपका बेबी है, और अगर अभी तक आपने तीज नहीं की है लेकिन आप पहली बार तीज करने वाले हैं, तो एक बात कि अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप गलती से पानी ना पी लें। क्योंकि अदिशी को कुछ भी एक चम्मच देने से पहले या पानी देने से पहले मुझे सकता है लाओ थोड़ा सा मैं पी लूँ। हमारी आदत होती है, यूजुअली हम किचन में भी काम करते करते कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेहंदी जो है वो एकदम बढ़िया रच गई है, अच्छी रच गई है एकदम बढ़िया। और ये चूड़ियां मैंने इसके साथ पहन ली है। मैंने आज कुछ भी ऐसा एकदम नया नहीं पहना है, सारी चीजें अधिकतर जो है या तो मेरी शादी की है, या फिर पूर्वा की शादी में अगर मैंने कुछ खरीदी थी तो वो है। एकदम ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ मैंने यूज किया। हाँ ये जो नथ है, ये मैंने ये वाली नथ पहनी है। मेरा मन जो था वो मेरी खुद की जो नथ है, हम शादी में हमारे यहाँ पर दुल्हन को नथ देते हैं, एक बार फिर मैं ये फोटो दिखाऊंगी, ये जो नथ मैं यहाँ पर पहनी हुई हूँ ये वाली नथ। बट ये नथ और ये सेट ये सब कुछ घर पे अभी यहाँ मेरे पास नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने जो है ये वाली नथ पहन ली थी। लेकिन इस नथ के अलावा मेरे पास एक ये नथ भी है, लेकिन मैं इसको पहन रही हूँ तो ये इतनी अच्छी लग नहीं रही है, बहुत ही ना बड़ी और अजीब लग रही है अभी फिलहाल की सिचुएशन में, तो फिर इसलिए मैंने यही पहन लिया। अब मैं अदिश्री का एक एक्सप्रेशन देखूंगी कि उससे मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अभी तक उसने मुझे देखा नहीं है। अदिश्री सुनो ना, मम्मा कैसी लग रही है, मम्मा कैसी लग रही है। हाँ जोर से बोलो ना, मम्मा कैसी लग रही है। वाव लग रही है सच्ची में, तो मम्मा को पूछी दे दो ना, क्यों पूछी दे दो ना, मम्मा को पूछी दे दो, थैंक यू, मैं भी दे दू, लिपस्टिक लग जाएगी ना मम्मा की, है ना, मैं दू। Thank you.
है वो हो गई है। और अभी जो है करीब 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बट खैर मैं नीचे ही गई थी पूजा करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कहीं और पूजा करते हैं जहाँ का कहना चाहिए रीति रिवाज जहाँ के अलग हैं, तो ऑफकोर्स कि थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन उस चेंज के साथ जो अच्छी बात होती है ये होता है कि आपको कहीं और का भी सीखने को मिलता है। आज ऐसा ही हुआ, मेरे लिए रेत के शंकर जी मुझे मिल गए, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम भी उसी की पूजा करते हैं और यहाँ पुणे के कल्चर में उसके साथ में और दो चीज़ें रहती है, तो वो भी सीखने को मिली कि आपको ऐसे पूजा करनी चाहिए, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये कि पूजा के बाद पानी पी लेते हैं, और जो व्रत मैं करती हूँ उसमें आपका मन है तो आप रात को 12 बजे तक भी पानी मत पीजिए, आप शाम को कुछ पानी वानी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप नमक या और कुछ नहीं खा सकते, मिर्च नहीं ले सकते। तो अभी फिलहाल में मुझे ऐसे कुछ प्यास जैसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये कि मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ खा पी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अगर पानी रुक गया तो हम लोग मंदिर जाएंगे, लेकिन अगर पानी नहीं रुका तो फिर मैं बारिश में नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर अदिशे की दिक्कत रहेगी। तो मैं चेंज तो कर ही लेती हूँ, कुछ और पहन लेती हूँ। और पूजा बहुत अच्छे से हो गई, ये अच्छी बात थी। जहाँ तक कथा की बात है तो वो मैंने मराठी में सुन ली है, जो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी या मम्मी जी को फ़ोन लगाकर फ़ोन पे सुन लूँगी, क्योंकि उनके पास पोथी है तो वो मुझे सुना देंगी। तो खैर अभी फ़िलहाल में ऐसा सीन है, और आशीष मेरे लिए नारियल पानी और रसगुल्ले लाए हैं, तो मैं नारियल पानी और रसगुल्ले खाऊंगी और एप्पल खाऊंगी, क्योंकि एप्पल मुझे बहुत पसंद है। अगर पानी रुका तो फिर मैं मंदिर जाऊंगी, सो मैं आपको मंदिर भी साथ में ले चलूंगी, पर अगर पानी नहीं रुका तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक पर्सन, एक इंसान के अलावा मैं एक माँ भी हूँ, तो अदिशे के साथ पॉसिबल नहीं है मंदिर, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। सो आज का जो दिन था वो फाइनली खत्म हुआ, तीज जो है वो खत्म हुई। जब भी कोई त्योहार आता है तो आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है, आपको ऐसा लगता है वाह मजा आ गया, अब ये करेंगे वो करेंगे, सारी बहुत सारी चीजें होती। पर धीरे 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 करके अपने आप जब वो चीज खत्म हो जाती है तो आपको लगता है हो गई खत्म इतनी जल्दी, पता ही नहीं चला। सो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, दिन भर जरा में निकल गया, और अभी शाम में एक्चुअली लाइट चली गई थी यहाँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया था बारिश हो रही थी, तो मेरा जो फोन था वो चार्ज भी नहीं था, तो मैं शाम को, खैर लाइट ही नहीं थी तो मैं व्लॉग कैसे करती। और अभी करीब 11:30 बज रही है, आज के व्लॉग को मैं एडिट करने का सोच रही हूँ। वैसे पूरी रात जागरण करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझसे हो पाएगा अकेले। तो जब तक मुझसे अभी जगा रहा है तब तक मैं आज की इस वीडियो को एडिट करती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, हरतालिका तीज का। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।